अगर 20 रुपए किलो भी गली बाकी सब्जी और जेडी सब्जी तुसे लानी है 3 साल के बाद वो कट वाला कट 3-4 तुसे अपनाने की जरूरत है। जमीन तो इतनी अच्छी है कोई साहब बाकी जेडी दुआ माता है जेडी जिन्ने भी इत्थे आए दे ने उंदे वास्ते असे गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर वो बुलाए दे ने ते मैं चाहना तुस सारे दे सारे इहदा फायदा चुको। उहदे अलावा असे कुछ सरपंचे कन्ने मिलिए कुछ लोकें दा जिहड़े बिलो पावर्टी लाइन दे लोग ने उंदे नाल लैते दे ने उंदे वास्ते असे छोटे छोटे पैकेजेस बनाए दे ने वह भी असे डिस्ट्रीब्यूट करने। एक बारी और मैं जिहड़े भी इत्थे लोग आए दे ने इस सर्दी च इत्थे आने वास्ते उनका शुक्रगुजार हाँ और आर्मी हमेशा थोड़े कन्ने है थोड़े कन्ने रहो धन्यवाद। ये एनिमल हस्बेंड्री मेडिकल कैंप वेटनरी कैंप लगाया है ये हमारा मकसद है कि जो हमारे बॉर्डर के इलाके में हमारे भाई बहन रहते हैं उन तक जो आधुनिक तकनीक है कृषि की जो नए नए स्कीम सरकार की तरफ से चल रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना उनको जो कृषि के उपकरण हैं वो सस्ते दामों में मुहैया कराना ताकि वो बेहतर से बेहतर कृषि करके उसका अपना उत्पादन बढ़ा सकें जीविका का सहारा बेहतर कर सकें। और जैसा कि इन इलाकों में जो सेना है वो सिविल अडम और जो आवाम है उनके साथ बेहतर तालमेल के साथ सुरक्षा के जो इंजाम है वो रखती है और इस पूरे प्रक्रिया में सिविल अडम और जो लोकल पॉपुलेशन है उसका बहुत सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे सद्भावना के दौरान हम कोशिश करते हैं कि जितने भी ये एक्सपर्ट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो एक जगह पर इन लोगों को मुहैया हो सके ताकि इनको उसका बेहतर फ़ायदा उठा सके। सर लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर को उल्लंघन किया जा रहा है क्या मंशा क्या है पाकिस्तान की इसके पीछे क्या लगता है आपको? देखिए ये जो है कोशिश पाकिस्तान की तरफ से पहले भी होती रही हैं उसका मकसद हमेशा शांति को भंग करने का है लेकिन जो सेना है भारतीय सेना वो पूरी तरह तैयार रहती है और सक्षम है कि ऐसे किसी भी कोशिश को वो नाकाम कर सके। किस तरह की तैयारी है सर आपकी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो क्योंकि मौसम भी सर्द है कोहरा पड़ रहा है ऐसे में किस तरह की तैयारी है भारतीय सेना की पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए? देखिए ये जो है जो हालात हैं इसका हम हमेशा जायजा लेते रहते हैं और हमें मालूम रहता है अंदाज़ा रहता है कि किस प्रकार के मौसम ख़राब मौसम में हमें अपने इलाके को निगरानी में रखना है अपना जो सीआई ग्रिड है उसको मजबूत करना है और ये हर लेवल पर इसके बारे में जो है चर्चा होती है और पहले से प्लान होती है और इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हर सुरक्षा एजेंसी चाहे वो BSF हो आर्मी हो और जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो इसके बारे में तालमेल करके पहले से ही कोई खतरा हो उससे पहले ही ऐसे कदम उठाते हैं कि उस खतरे को निपटाया जा सके या नकारा जा सके। सर इस तरह के लगातार इनपुट्स आ रहे थे कि जो रिवर के एरियाज हैं खासकर जैसे हमारा चुनाब का एरिया पड़ता है यहाँ पर जो बॉर्डर का LOC का एरिया है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें जो हैं वो हो सकती हैं खासकर नदियों से आ सकते हैं तो उसको लेकर आपने जो एंटी टेरर ग्रिड बनाया है उसमें कितना आप लोगों ने क्या क्या काम किया है उसमें? जैसा कि आपको जाहिर है कि ये इनपुट आते हैं लेकिन इस इनपुट से पहले ही हम कई ऐसे जो है कदम उठाते हैं ताकि ये जो दुश्मन है या पाकिस्तान है अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब ना हो सके सर। जी जी और इस प्रकार जो है हम जो हमारी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं उसको और मजबूत करते हैं हमेशा उसका जायजा लेते हैं कि कहाँ हमें और जोर देने की जरूरत है कहाँ इसको और मजबूत करने की जरूरत है। और सर्दियों में आपकी चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं क्योंकि बर्फ पड़ जाती है ऊपर वाले एरियाज में और खासकर आप इस तरह के लगातार इनपुट्स थे कि जो मैदानी इलाके हैं और जो पुंछ राजौरी के इलाके वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है तो उसमें आप लोगों ने क्या किया है और किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए वो हम कदम उठाते रहते हैं बट मैं चाहूँगा कि आज जो हम ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और जिसमें हमारा मकसद है कि हम आवाम की मदद कर सकें आवाम के साथ और सामंजस्य हमारा बढ़े और जो सेना के प्रति आवाम के मन में एक विश्वास है वो और सुदृढ़ हो तो मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर थोड़ा देखें। ड्रोन जो है उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं क्योंकि देखा कि पंजाब में पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया यहाँ पर किस तरह की चुनौती आप मानते हैं ड्रोन जो है कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए ये जो है ये
अलग अलग तकनीक लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, बट हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और इनसे हम अपने स्तर पर निपटने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे ड्रोन्स भी निगरानी बरत रहे हैं, हमारे ड्रोन्स मैं चाहूंगा कि आप सुरक्षा के ऊपर से कम और इन चीजों के ऊपर ज्यादा। जो विंटर्स आया है खासकर ये मैं देख रहा हूँ वेटनरी कैंप लगाया गया है, तो विंटर में बॉर्डर के लोगों को बहुत दिक्कतें होती है खासकर उनके जानवरों को, तो उनके लिए क्या उसी को देखते हुए आपने ये सारी वो किया है? देखिए हम जो है चूंकि हमारा यहाँ पे आवाम के साथ सिविल के साथ बहुत ही नज़दीकी सामंजस्य रहता है और हम चूंकि इसी इलाके में डिप्लॉयड हैं, हम जो आम जनता की आकांक्षाएं हैं अपेक्षाएं हैं उन पे नज़र रखते हैं, उनके साथ तालमेल रखते हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे कैंप लगाते हैं और समय के अनुसार हम जो उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ये कैंप ऑफ सद्भावना के तहत चलाते हैं। आपको लगता है बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं? कई तरह के कैंप चलाते हैं, मेडिकल हो, वेटनरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, यहाँ तक कि हम स्पोर्ट्स या कोई उनको हेल्थ एंड हाइजीन जैसे कि जैसे हमारे सरकार का भी ध्यान है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें हेल्थ हाइजीन पे भी जोर दिया है, तो हम हर तरीके का ऐसे चीज़ों को समय समय पर इलाके के हिसाब से ध्यान में रख के चलाते हैं।